जियो From she's from Brazil. You are from Brazil? Yes. Which city? So इसको सांस पिला रही है, कभी जिंदगी में सांस नहीं पिया. You try it. If you like, then I give you more. You are good. Bhagwan. Rom Bhagwan. Yes. Oh, आओ अंदर आओ. अंदर आओ. कावन नोचे लड़ी है. Self service. क्या बात है यार, ये तो पूरा गुजराती बोल्ड है भाई यार. Hey, good morning दोस्तों, बंसी बिश्नोई from आरुषा तंजानिया. और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक मवांजा करके सिटी है. मवांजा और इसे गूगल पे देखोगे तो मवांजा लगता है, लेकिन 600 किलोमीटर दूर बस में जाने वाले. कल रात को मैंने टिकट बुक किया. अच्छी बात यह है कि मेरे पास कल 37,000 सीलिंग था, वहाँ की टिकट थी 40,000. तो मैं नहीं जानता था उस बंदे को और उसने मेरे लिए टिकट कर दिया, हेल्प भी करी. तो यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पाया है ना आरुषा में भी, हर जगह. ये हमारी बस है भाई. सुबह सुबह हम बस में पहुँच गए हैं सीट नंबर, और ये हमारी सीट है लास्ट से पहले वाली, तो M1 विंडो सीट. तो भाई बस काफ़ी प्रीमियम है, अंदर टीवी लगी हुई है, फुली एसी है और कर्टन वगैरह लगे हुए हैं, साफ सुथरी स्वीट. टीवी यहाँ पे लगी 4 TV लगी है, 5 TV लगी हुई है. ऊपर हवाई जहाज की तरह यहाँ पे भी बॉक्स है रखने के लिए. बड़ा बैग तो नहीं आएगा, लेकिन मीडियम लैपटॉप बैग आ सकता है. तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और आपको मिलते हैं आगे कहीं. अभी एक गांव में पहुंचे हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास गांव भी है छोटे छोटे. तो यहाँ पे लोग है ना कुछ बेच रहे हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप. ये देख लो भाई किस तरह से बस जब बस डिपो में जाती है धूल उड़ाती हुई, छोटे छोटे दुकानें और यहाँ पे सामान बेचने वाले लोग. दोस्तों जैसे ही शहर और बस टर्मिनल से निकलते हैं, फिर से आपको दूर तक फैले हुए घास के मैदान और हरे भरे पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं. तो भाई यहाँ पे खेती होती है मक्के और सूरजमुखी की, और सिर्फ गाय है यहाँ पे, भैंस वगैरह नहीं है, गाय और बकरी है. सो भाई अभी हम है सिंगड़िया एक करके एक जगह है वहाँ पे, और यहाँ पे ये बस वाले भाई सुबह 6 बजे निकले, लेकिन अभी तक तो रोकने का नाम ही नहीं ले रहे. सो हमारी बस कंटिन्यू भागे जा रही. अभी हम सिंगड़िया पहुँचे, अभी भी 500 किलोमीटर यहाँ 450 किलोमीटर के आसपास बाकी है. और यहाँ पे मार्केट देखो भाई, यहाँ पे ये लोग व्यापार कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं. और एक बात और कि मैंने यहाँ पे लिया खजूर जो 2,000 रुपये दिए, 2,000 का मतलब होता है करीब 70 से 75 रुपये के आसपास, इतना सा खजूर आया. यहाँ पे 5-10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लिया है. यहाँ पे देखो मक्के के खेत है, लोग कपड़ा धो के सुखा रहे हैं. यहाँ पे फूड का स्टॉल बना हुआ, तो मैं भी यहाँ से कुछ लेता हूँ. तो ये 1,000 का हो गया, इसमें फ्रूट है और ये होटल है. सभी बसें लग्जरी लेसी लगती है, बसें छोटी है फिर भी इनके जो टायर है पीछे वाले जो वॉल्वो के होते वैसे ही. देखो मैं आपको दिखाता हूँ सीएट के टायर, ये देखो पीछे डबल डबल टायर है, सबके टायर डबल है. उधर देखो सभी बसों के. ये देखो गाय चल रही. तो भाई साहब जैसे तैसे कल रात को मैं यहाँ पे पहुंच गया था, और यहाँ पे बिल्कुल लेक के किनारे लेक विक्टोरिया, लेकिन यहाँ पे मौसम बिगड़ा है और पूरा तूफानी माहौल बन गया है. इधर ये लेक विक्टोरिया है, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक और दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर की लेक. एक पहली अमेरिका में है, दूसरी यहाँ पे. और देखो भाई, और यह मौसम पूरा बिगड़ा हुआ है. देखो लेक में चलते हैं बड़े बड़े जहाज, बहुत खूबसूरत ये लेक है. ये पहाड़ों के बीच में फैली हुई है बहुत दूर तक, 2600 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है. तो मुझे लगता है बहुत बड़ी लेक है. तो मवांजा में एकमात्र हॉस्टल मैंने यहाँ पे बुक किया, ये करीबन $8 ले रहा है. इस हॉस्टल में आने के लिए मैंने 600 किलोमीटर का सफर किया है. तो कल पूरा दिन स्लीपर बस नहीं थी, यहाँ पे सिटिंग बस होती है. घंटा नहीं 13 घंटा का सफर करने के बाद यहाँ पे पहुंचे. गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. अभी फिलहाल मैं हूँ मवांजा जो कि तंजानिया का एक शहर है, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया के पास में हूँ. और मेरे साथ है फिलहाल जियो.
from she's from Brazil. You are from Brazil? Yes. Which city? Natal, Rio Grande do Norte. It's in the northeast of Brazil. So how far, like from Rio de Janeiro or São Paulo? It's like 4 hours in airplane flight. 4 hours? Yes. It's too hours. Long. Yeah. No idea. Exploring the city. Yeah, it's Mohanja city. Okay. थैंक यू लेट्स गो. सो अभी हम जा रहे हैं सिटी में जी और हम दोनों ये भी कल ही आई और क्या दिखा पाता हूँ ये तो मुझे भी आइडिया नहीं. मैं भी शहर में नया हूँ. ये हमारा हॉस्टल था यहाँ पे. ओके लेट्स गो. अब चलते हैं इस तरफ. हम जिस जगह पे हैं ये एकदम लेक विक्टोरिया है. अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है ये इधर. yes. लेक विक्टोरिया. The second biggest. Second biggest is world. I think no in Africa. No. You check on Google. Second yes. biggest fresh water lake okay. in world. Yes, okay. first in America. ओके आई सो यू आई सो यू. और ये देखो भाई इधर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और ये पत्थर अगर नीचे लुढ़क गया सो बड़ा डैमेज कर सकता है यू नो. सो अभी हम जा रहे हैं सिटी में और यहाँ पे बारिश भी हो रही है सुबह से. तो अभी हम लोग 12 बजे निकले नहीं तो 9 बजे से आपको शहर में ले जाते हैं. सो हाउ मेनी डे यू इन तंजानिया? नाउ इट्स लाइक 40 डेज. 40 डे एक एक देश में 40 दिन. आई वाज इन ज़ंजिबार, दार सलाम, अरुशा एंड नाउ हियर. या एंड आई वेट फॉर अप्रूवल फॉर माय वीजा फॉर रवांडा. रवांडा मेबी वी आर टुगेदर. या मैं भी रवांडा जाना चाहता हूं तो शायद इसका वीजा मिल जाए तो साथ में ही निकलेंगे. तो अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं. ये पहाड़ की ओर जाती है और अभी हम इस तरफ जाते हैं. मवांजा सिटी बहुत ब्यूटीफुल सिटी है तो दिखाएंगे आपको. मैंने देखा नहीं अभी तक तो मैं अभी खुद देखने जा रहा हूँ. कल रात को याद है. ये भाई देखो घास ले जाने की लारी है और ये बच्चे. हेलो मंबो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? या इट्स गुड. ओ आई हैव नो मनी बिकॉज पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की आदत पड़ जाएगी इसलिए मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ. बाकी पैसा देना तो दे सकते थे. इससे अच्छा कि आप चॉकलेट वगैरह दे दो ये बेटर है. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लेक विक्टोरिया ये रही लेक विक्टोरिया. ये दुनिया की सबसे बड़ी झील सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. तो उसका पानी यहाँ तक भी आता है. केन्या भी जाता है. युगांडा रवांडा सारे देशों के बीच में बनी हुई बहुत बड़ी लेक है. और यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आते हैं जो मालवाहक जहाज है वैसे जहाज चलते हैं भाई. तो पूरा मवांजा सिटी है वो पत्थरों पर पहाड़ों पर बसी हुई है. पानी में कुछ हलचल हो रही है तो उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. ये इस जगह पे देखो यार कुछ पत्थर है या खड्डा है कुछ तो कुछ है. और ये लिए पानी बहुत फ्रेश है भाई. देखो एकदम सामने दिख रहा है. दिस मे बी स्टोन. और यहाँ पे देखो भाई ये बाइकर का स्टाइल देखो. छतरी है वो कैसी बना रखी है खुद के लिए वो पीछे पैसेंजर उसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने मॉडिफाई करके सेटिंग कर लिया. तो इंडिया में भी कर लो यार कुछ ऐसा जुगाड़ उगाड़. और ये बड़े बड़े स्टोन और यहाँ पे बैठे हुए पक्षी इस शहर की पहचान है. और ये बसें और गाड़ियाँ सब भर भर के जहाज में ले जाते हैं आगे की ओर. और यहाँ पे देखो मार्केट सब होटल पे मौज कर रहे हैं. हेलो हेलो सॉरी. भाई साहब इस बिल्डिंग पे देखो 1, 2, 3, 4 पक्षी बैठे हुए दिख रहे हैं आपको. बड़े बड़े पक्षी यहाँ पे मौज कर रहे हैं. और ये एक बिल्डिंग है कुछ के साथ में महिलाएं बेच रही है सिंह. ये वाली देखो. हेलो करीबू अशांत असाना. पेट्रोल का 2900 रुपये लीटर है मतलब करीबन 110 रुपये के आसपास. और डीजल है वो 3200 मतलब करीबन 125 रुपये के आसपास लीटर है. तो डीजल महंगा है और पेट्रोल सस्ता है. बोले ओके बाय. तो यहाँ पे आए थे वाटर बॉटल लेने के लिए तो उनको भाषा नहीं आ रही तो कैलकुलेटर में समझा रहे तो हंसने लगी. यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो बाल बेचते हैं महिलाओं के. आपको लगता है कि अफ्रीकन वाली ऐसे बाल कैसे तैयार करती है? सब डुप्लीकेट बाल होता है. डुप्लीकेट बाल का बहुत ज़्यादा चलन है यहाँ पे.
बाकी इनके बाल तो होते ही नहीं है, थोड़े ही होते हैं, कभी किसी किसी महिलाओं के होते हैं, बाकी बाल होते ही नहीं है। बिल्डिंग देख रहे हैं ये इंडियन वालों के, परिमल हाउस 1958 में बनाई गई है, तो परिमल हाउस मिल गया। और अभी मैंने गूगल पे सर्च किया, यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है आसपास, तो मैं आपको बाद में ये रहा इफ यू वांट वी गो देयर इस टेंपल, या वी कैन गो, सो देन वी गो देयर एंड देन कमिंग बैक। तो अभी हम चल रहे हैं स्वामीनारायण मंदिर, वो मुझे दिख गया वहाँ पे, और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे यहाँ पे जो गुरुद्वारा वहाँ पे भी चलते हैं। यस कम साहब, गुरुद्वारा साहब में आए, देखते हैं। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे और ये भाई साहब मिले हैं जो गुरुद्वारा है वहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज दानी। दानी, सो यू आर डूइंग जॉब हियर? या गुड। सो हाउ मेनी सिख पीपल लिविंग हियर? इज लाइक 50-60 समथिंग? या 50-60 समथिंग। या तो ये जगह है और यहाँ पे ये अंदर जो है गुरुद्वारा साहब है, और सामने ये बिल्डिंग देखो, ये भी 1951 में यहाँ पे सरदार जी लोग आए, उन्होंने यहाँ पे श्री गुरु सिंह सभा जो एक बिल्डिंग है वो, और ये दोनों रोड के उस तरफ और इस तरफ। तो अभी यहाँ पे जिया ने ऑलरेडी प्रे किया, सो यू फील गुड? यस, इट्स गुड। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर और मैं आपको पीछे स्वामीनारायण मंदिर है उस तरफ ले जाऊँ। सो हाउ टू गो देयर टेम्पल साइड, दिस बैक साइड टू? बैक साइड टू। सो ओके, तो यहाँ पे ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, गुरु नानक देव जी का सिंह सभा, श्री गुरु सिंह सभा, जो 1951 में यहाँ पे लोग आए और उन्होंने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। सो ये वाला था गुरुद्वारा और ये है स्वामीनारायण टेम्पल, और इसके सामने भी काफ़ी बड़ा जो है व्यवस्था बनी हुई है। देखो यहाँ पे, देखो धोती वगैरह सूख रही है, तो अभी यहाँ पे भी जाएंगे, और इंडियन हिंदी टीवी चैनल भी चल रहे हैं। ये हिंदू टेम्पल है और ये स्वामीनारायण टेम्पल, ऐसा कुछ है, दोनों अलग अलग है। So it's open in evening time. So we're going that side too. Okay. So the mandir is a lock. So ये है स्वामीनारायण मंदिर, यहाँ पे बड़ा सा, और हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि टाइम पूरा हो गया, तो दर्शन तो अभी कर नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे रहते हैं सब लोग। देखो शायद अभी वो सामने वाले मंदिर में चलते हैं हम। तो अभी मैं आ गया हूँ सनातन मंदिर में, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा किचन एरिया है, और यहाँ पे भाई साहब मिले उदयपुर से हैं। ये रहा सनातन मंदिर, उसका भी टाइम अभी बंद हो गया है, और सामने वो सरदार जी का गुरुद्वारा है सिख धर्म का, और उधर स्वामीनारायण टेम्पल है, सब पास पास में। इधर मॉस्क भी है बाजू में, मॉस्क मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं किचन एरिया। ये बड़े बड़े चूल्हे हैं और ये खाना बना रहे हैं। हेलो ब्रो, मम्बो, गुड, चमचो, यू स्पीक गुजराती? हां, केम बराबर, बराबर, हां, केम तबिये लेडी, बियर लेडी इज गुड, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, राधे राधे, राधे राधे, हरे ओम, यू आर गुड, राम भगवान, यस, आओ आओ अंदर आओ, अंदर आओ, खावन अच्छे लेडी है, सेव सर्विस, क्या बात है यार, ये तो पूरा गुजराती बोल्ड है भाई यार। आई तो तुम्हारे साथ मैं थोड़ी देर में और बात करूंगा, कुछ नाश्ता ले जाओ, मिठाई, छे लड्डू, मोहनटा, गुलाब जाम, जे भावे श्रीकांत, नाश्ता, पम्मा चौलो, कुलकुले, बडू छे, जे जोइए ले लो। और यहाँ पे भाई साहब मिले, भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी, आप कहाँ से? मैं उदयपुर राजस्थान से। ओके, और आप यहाँ कितने साल से हैं? मैं 6 महीने से हूँ। 6 महीने से। देखो भाई साहब, ये जगदीश भाई हैं जो उदयपुर से हैं, और ये यहाँ पे मिले, किचन का जो हैंडल करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या बनता है, मतलब यहाँ पे अगर जैसे मेरे जैसे कोई बाहर से है, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है? यहाँ पे सोने का है, सोने का खाने का मिल जाएगा। हाँ हाँ, और मतलब सोने का यहाँ पे जो रूम वगैरह है, उसका चार्ज है? चार्ज नॉर्मल है, चार्ज नॉर्मल चार्ज है। ओके, तो कोई भी बंदा आ सकता है? कोई भी बंदा है। खाना भी यहाँ पे है? कौन सी कंट्री का भी आ सकता है। और दोनों टाइम का खाना होता है? एक टाइम दोनों टाइम का खाना होता है। क्या बात है, लो भाई आपके लिए ये सुविधा तैयार हो गई यहाँ पे। तंजानिया के मवानजा, इसको क्या मांजा बोलते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हम चलते हैं, आपको सारा दिखा देते हैं। अभी फिलहाल बना क्या, देखो ये क्या बना रहे हैं? ये अभी समोसा बन रहा है। समोसा बन रहा है? हाँ। और वो बनाने वाले भाई गुजराती बोल रहे हैं। ये इधर लाडू, अपने राजस्थान के लड्डू है, राजस्थान के लड्डू बनाए हैं, और ये बूंदी के लड्डू है, बूंदी के लड्डू, जलेबी, जलेबी है, कौन दाल है, और एवरी फरसान है, सब फरसान भी है। तो अभी इधर लोग आएंगे खाने के लिए? हाँ आएंगे। अच्छा, डेली आते हैं? डेली आते हैं। अच्छा, क्या बात है। खाने का कुछ चार्ज वगैरह? खाने का चार्ज
7000 वन टाइम कुछ भी खाओ। 7000 मतलब करीबन $2.5 मतलब ₹200 के आसपास है। तो यार बहुत सही है यार कि इंडियन फूड बहुत बढ़िया घर के जैसा खाना मिलेगा आपको ₹200 में तो बहुत सही है। सब्जी मिलेगी, वेज मिलेगा, चपाती मिलेगी। अच्छा सही है सही है। तो मैं स्वीट में मिलेगा, फसल में मिलेगा। हाँ देखो ना ये पूरा जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ का माहौल है बहुत ज़बरदस्त यार। मतलब मैंने बोला ना आपको कुछ अमेजिंग दिखाने वाला हूँ और वास्तव में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको बाद में मंदिर का दर्शन भी करा दूँगा। किचन इतना साफ़ सुथरा है यार, मतलब गुड। और ये भाई तो गुजराती बोल रहे हैं, इनसे थोड़ा रील्स के लिए भी बात करते हैं। यहाँ से आप टिफिन भी पार्सल करा सकते हैं। और क्या मतलब और क्या बता सकते हैं कुछ इंडियन के लिए जानकारी। इंडियन वाले लोग वहाँ से देखेंगे कि भाई इंडिया से दूर इतना जा कर के भी आप इतना कुछ कर रहे हैं यार। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैं इंडिया में बैठा हूँ। मैं दार ए सलाम में भी गया था, मंदिर वंदिर में सनातन है वहाँ पे, सनातन है वहाँ पे भी गया मैं। वहाँ पे भी मैं सब मंदिर में और वो सब जगह गया, जलाराम बाबा मंदिर में सब जगह। सही है बहुत गर्म। नो इस पास डर ही तो नहीं खा। यू ट्राई इट। सो इसको सांस पिला रही है, कभी जिंदगी में सांस नहीं पिया। यू ट्राई इट। इफ यू लाइक देन आई गिव यू मोर। या इट्स नाइस। इट्स नाइस। या इट्स नाइस। यू बिफोर यू ड्रिंक दिस वन। नो नो फर्स्ट टाइम। सो इट्स ओके, गेट हियर लाइक लाइक लिटिल डिट इट डाउन। या ओके जगदीश भाई अपना तो हमें धीमा जीव जीवन पड़ी। तो भाई मैं खाना ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो भाई इंडियन स्टाइल में खाना अपने को मिल गया है और अभी चल के खाना खाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिठाई ले लेते हैं। ठीक है ओके। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट, तो यहाँ पे देखो बड़ा सा हॉल बना हुआ है और सीटिंग अरेंजमेंट भी है। मेरे पास शब्द नहीं है यार, खाना वाना खिलाया, बढ़िया सेवा की जगदीश भाई ने। और हमारे उदयपुर से हैं जगदीश भाई, और ये भाई भी गुजराती बोल रहे हैं, वो वीडियो में ऐड कर देता हूँ उसका, उनका भी इंटरव्यू किया। तो जगदीश भाई मलना पास सर, ठीक है ओके। थैंक यू सर, जय माता दी। और एक बात और है कि मैंने जियो को भी खाना खिलाया इंडियन खाना। सो यू लाइक इंडियन? यस आई लव इंडियन फूड। बिफोर यू ईट इंडियन फूड? यस but I think this is more special, more special, more real Indian food. So thank you. आज जब निकले हॉस्टल से तो सोचा नहीं था कि हम कहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे आए तो ज़्यादा स्पेशली हो गया यार, क्या बात है। ये देखो सनातन मंदिर है। सो मंदिर इज नाउ इस मंदिर इज ए लॉक, टाइम इज ओवर, सो मे बी वी कमिंग टूमोरो पॉसिबल ओके। अभी चलते हैं बाहर, हम जाते हैं कहीं और। ये मंदिर एरिया है भाई पूरा बहुत बड़ा। ये देखो स्वामीनारायण मंदिर, ये सनातन मंदिर, उधर गुरुद्वारा है, उधर मॉस्क भी है। तो सबका सब रिलीजन का यहाँ पे स्थान है और यहाँ पे साधु संत वगैरह भी रहते हैं। तो यहाँ पे आप अंदर आओ तो कभी डरना नहीं, बिल्कुल अंदर जाओ, किसी को पूछो और पीछे की तरफ जाओगे आपको मिल जाएगा। सो वी गो दैट साइड और इफ यू वांट लाइक रुक जाओ। सो अभी हम आ गए मार्केट में। ये मार्केट है देखो, यहाँ पे कवर बेच रहे हैं। थैंक यू। मोबाइल का कवर बेच रहे भाई, बोतल वगैरह। और ये लोकल मार्केट है, सब लोग यहाँ सिलाई विलाई भी करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट है यहाँ पे, है ना। मार्केट में लोकल लोग और लोकल सामान आपको मिलेगा। देखो बेल्ट वगैरह बेच रहे हैं ये महिलाएं। देखो यहाँ पे 50% महिलाएं होंगी, आपको ज़्यादा महिलाएं दिखेंगी, आदमी कम दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शादी वगैरह का कुछ चक्कर होता ही नहीं है। महिला खुद को बेचारे को धंधा करके अपना पेट गुजारा करना पड़ता है, तो ज़्यादातर महिलाएं दिखेगी आपको। हे ब्रो हाउ आर यू? और यहाँ पे अभी बारिश हुई तो पानी चल रहा है, देखो भाई। और ये मार्केट है पीछे, पूरा धमाधम मचा हुआ है भाई।
धड़ाधड़ चल रहे हैं, आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो पड़ा पड़ी तो होने वाली, जब मार्केट का टाइम होगा तो ऐसे होता ही है हर जगह पे। देखो ये भाई चप्पल बेच रहे हैं, ब्रश, अभी हम चलते उस तरफ। सो अभी हम लोग आए एक बिल्डिंग के ऊपर और यहाँ से आपको पूरा रोड का व्यू दिखेगा। दार ए सलाम की रोड यही है और ये पूरे घर बिल्डिंग देखो सब पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं। हम भी शायद इसी तरह पहाड़ के ऊपर ही रह रहे हैं और इसके पीछे ही लेक विक्टोरिया है तो वो भी है। और चलते हैं आपको यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीते हैं और फिर बाद में आगे चलते हैं। नो दिस इज अवाकाबो, अवाकाबो ये 1000 रुपये का है भाई, करीबन 30 रुपये का, 40 रुपये का होगा, मुझे पता नहीं इसको कैसे खाते हैं। और यहाँ पे ये बेच रहे हैं बहन जी और यहाँ पे देखो मसाई लोग हैं और हम इसको खरीद रहे हैं। यस थैंक यू। सो हाउ ईट दिस लाइक दिस काइंड ऑफ, ओह सो यू परचेज दिस वन, डू यू वांट this one is 1000. I buy us the two of this and another for 1000. भाई पाना पकड़ गोल्ड कुछ भी लेना हो तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। देखो गोल्ड की मार्केट है, पकड़ वगैरह सब कुछ बड़े बड़े गोल्ड है। ये पूरा लोहे की मार्केट है देखो भाई। और मैं यहाँ पे मक्की खा रहा हूँ तो यार मार्केट बड़ी क्रेजी थी, अगर कुछ भी बोल्ड पाना पकड़ती है तो छोटी सी मार्केट में सब कुछ मिल जाता। मार्केट तो बड़ा क्रेजी है और ये बिल्डिंग मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। देखो इसका कलर और इसकी बनावट दोनों सब ठीक है और मार्केट बहुत बढ़िया है यहाँ पर। यहाँ पर लैपटॉप वगैरह, मैकबुक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। जियो 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 द सेम लेडी कमिंग हियर अगेन, they follow you. Car owner. ये वाला फेरी स्टेशन आपको मैंने पहले दिखाया वही है कि यहाँ से गाड़ियाँ और लोग भर भर के इस फेरी में बैठ के जा रहे हैं तो शायद ये फेरी युगांडा केन्या या कहीं और जाती होगी। बड़ी बड़ी फेरी है यहाँ पे और ओ माय गॉड इज ए 40 मीटर समथिंग अखो ना मोटा भाई साहब। ये वाली बड़ी सी रॉक, यहाँ पे भी एक पक्षी घूम रहा था बड़ा सा, कहाँ चला गया यार, बहुत बड़ा पक्षी था। मैं देखता हूँ यार वो पक्षी मिल गया तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ यार, काफ़ी बड़ा और लोगों के बीच में घूम रहा था, अभी इधर ही गया होगा शायद। और ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर भी एक पेड़ है।